हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। हम क्लास सिक्स का बच्चों रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों देखिए, सवाल ये है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। सिर्फ एक बार लिखनी है आपको, एक बार यूज करनी है हर एक डिजिट, ठीक है। और आपको क्या बताना है, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनाया जा सकता है, ये पता लगाना है भाई। ये जो डिजिट्स हैं इनका इस्तेमाल करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा और उन दोनों के बीच का अंतर आपको बताना। क्वेश्चन समझ गए? सॉल्व कीजिए जल्दी से। बच्चों उम्मीद करता हूं आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा ये। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगाना है द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है भाई? जो भी ये डिजिट्स हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर लिखूंगा, तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से सात है, फिर उसके बाद छह है, फिर उसके बाद चार है, फिर तीन, फिर दो। ये है सबसे बड़ा नंबर, लिख दिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? द लीस्ट नंबर, ये यहां पे सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और फिर उससे बड़ा। This is the least number available. हमें क्या निकालना है? Difference निकालना है ना? अंतर निकालना है। तो difference यहां से हम निकाल पाएंगे? कैसे निकाल पाएंगे? Minus कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? देखिए, दो में से सात को माइनस नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया, तीन से एक कैरी ले लिया यहां पे। ये कितना बन गया? ये बन गया 12 और ये बच गया दो यहाँ पे, ठीक है। तो 12 माइनस सात कितना होगा? 12 माइनस सात कितना होगा? 12 में से अगर सात माइनस करेंगे तो पांच आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे दो बच गया, दो में से छह नहीं घटा सकते, तो हम चार से फिर एक उधार ले लेंगे, ये 12 बन जाएगा और यहाँ पे तीन बच जाएगा। 12 माइनस छह बच गया, तीन माइनस चार अब भी नहीं हो सकता,
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले से फिर से एक उधार ले लेंगे, ये 13 बन गया और ये 5 रह गया, 13 माइनस 4 9 हो जाता है, 13 में से 4 घट गए 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 3 आ गया 2 एंड 7 माइनस 2 आ गया 5। तो ये डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स फिल करेंगे आप, क्या है, ए ए में आपको बोला गया है 1 लाख इक्वल्स टू, ब्लैंक है 10,000, वन मिलियन इक्वल्स टू 10,100,000, वन करोड़ इक्वल्स टू 10 लाख। वन करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन, वन मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो ये है आपके लिए क्वेश्चंस। आपको बस इसकी समझ होनी चाहिए कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, आप इजीली कर पाएंगे, ब्लैंक्स फिल कर पाएंगे। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों सॉल्व कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं ऐसी। देखिए 1 लाख है, कितना होता है 1 लाख आपको पता है, 1 लाख में कितने जीरो हुए, 5 जीरो हुए, ठीक है, ये 1 लाख हो गया। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर हम इसको लिखते हैं 10,000 कितना होता है, ये देखिए 10,000 इसमें 4 जीरो हैं, है कि नहीं, 4 जीरो हैं। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा भाई। 10,000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 लाख आ गया। दैट मीन्स ये कितना 10,000 है, 10,000 हो गई है ना, 10,000 मिलके 1 लाख बनाते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सारे पार्ट्स, ठीक है। तो बाकी के भी बताइए मुझे क्या आएंगे। तो बच्चों ये चीज अब इजीली आप कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए एक मैं आपको आइडिया देता हूं, छोटा सा आइडिया देता हूं। एक होता है इंडियन
नंबर सिस्टम किया था बच्चों हमने, इंडियन नंबर सिस्टम। एक होता है इंटरनेशनल, नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे हम, बस एक बार आपको थोड़ा सा याद आ जाए अगर भूल रखे हों तो, बस इसी हिसाब से हम इसको करेंगे। ये क्या हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे होते हैं, हमारे पास वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड, फिर आता है थाउजेंड, फिर आता है 10,000, है ना। फिर आता है लैख, फिर 10 लैख, फिर ऐसे ही चलते जाता है 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। लेकिन जो हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें वंस आता है, टेंस आता है, हंड्रेड्स आता है, है ना, वन टेन हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड। सेम है 10,000 भी सेम है कि नहीं। उसके बाद 100,000, कितना 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग होता है ना, तो क्योंकि इसमें 1000 के बाद क्या आ गया, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह से इसमें कंटिन्यू होता है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों चीजों में। तो यही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है ना। क्या अप्लाई करनी है, 1 मिलियन आपको पता होना चाहिए, 1 मिलियन कितना होता है, अगर आप ये पता लगा लेंगे तो आपको इजीली आप कर पाएंगे, है ना। तो आपको बोला गया है कि भाई 100,000 है, ठीक है। देखिए 1 मिलियन में बता दूं 10 लाख के बराबर होता है। अगर आपको ये बात पता होती तो आप इजीली लिख देते इसको कि भाई 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। एंड 100,000 किसके बराबर होगा, 100,000 भाई 1,000 ये हो गया, कितने थाउजेंड बोला है, 100,000 बोला है, दैट मीन्स 5 जीरो आ गई, 1 लाख के बराबर है 100,000, किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर 100,000 है। तो 10 लाख किसके बराबर होगा, 10,100,000। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये इजीली निकाल पाएंगे। इसी तरह 1 करोड़ किसके बराबर होगा, 10 लाख, 10 लाख के बराबर होगा, मतलब 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 करोड़ आ जाता है, वही तो होता है लैख, 10 लैख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और जो 10 मिलियन होता है भाई, 1 मिलियन 10 लाख हो गया है, तो 10 मिलियन कितना हो गया, 1 करोड़ हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। 1 मिलियन अभी तो देखा हमने 10 लाख के बराबर है। तो बच्चों ये आपको रिलेशन पता होगा तो सीधे होते जाएंगे आपके क्वेश्चन, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करते हैं। Thank you.
तो बच्चों ये है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए और आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों क्या करना है आपको, यहां पे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आप ये बताइए रन्स टू अचीव, कितने रन्स अचीव करने हैं उसको, कितने रन्स बनाने हैं, कितने रन्स की जरूरत है, 3020 रन्स, दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और इस तरह से हम रिवीजन करते रहेंगे, काफी सारे क्वेश्चन और लेके आएंगे अगले सेशन में, इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।